कोई मसला बाय ऑल मींस मिस्टर साहब आप जानते हैं बेस्ट ऑफ टाइम चलेंगे जाइएगा बताएंगे दीपू भाई थाना वुमेन जी मैडम ख्याल रखिएगा जी बेफिक्र सात गाड़ी है और सात गाड़ियों में ये वाली उनकी गाड़ी श्री भाई क्या कहना चाहेंगे दोबारा कल सवाल कर लिया यार क्या कहना है देख लो रे आप ऐसे जैसे को पता नहीं को बहुत बड़ा दहशत गर्द गिरफ्तार करना हो 14-15 गाड़ियां इधर इतने नामालूम लोग मुख्तलिफ कोई मजदूर बन के आया हुआ है तो कोई क्या बन के आया हुआ है कोई क्या बन के आया हुआ है 23 गाड़ियां मुख्तलिफ नाके लगा के एक लेडी को गिरफ्तार करने मतलब कोई शर्म की बात है औरत का इतना डर है वहीं से गिरफ्तार कर लेते हैं वहीं से कर लेते वहीं से उठा नहीं बाद में बनाया जिन्होंने बाहर निकले ना दो कोई मसला बाय ऑल मींस मिस्टर साहब आप चलेंगे जाइएगा जान बताएंगे दीपू भाई थाना वुमेन जी मैडम ख्याल रखिएगा सर सात गाड़ी है और सात गाड़ियों में ये वाली उनकी गाड़ी श्री भाई क्या कहना चाहेंगे दोबारा कल सवाल कर लिया यार क्या कहना है देख लो रे आप ऐसे जैसे को पता नहीं को बहुत बड़ा दहशत गर्द गिरफ्तार करना हो 14-15 गाड़ियां इधर इतने नामालूम लोग मुख्तलिफ कोई मजदूर बन के आया हुआ है तो कोई क्या बन के आया हुआ है भाई 23 गाड़ियां मुख्तलिफ नाके लगा के एक लेडी को गिरफ्तार करने मतलब कोई शर्म की बात है औरत का इतना डर है वहीं से गिरफ्तार कर लेते हैं वहीं से कर लेते हैं वहीं से उठा नहीं बाद में बनाया जिन्होंने बाहर निकले ना दो अल्लाह का बहुत शुक्र और मुझे कोई डर नहीं अगले मुकदमे का भी मेरे मेरे साथ खड़े हैं हर जगह आए हैं जो मर्जी केस होता रहे हैंडल कर लेंगे चलो चलो यार इमरान हाँ सनम क्या कहेंगी जो देखने वाले उनके पैगाम दे दें आप देखिए आप इस तरह जोर जबरदस्ती जुलम से कुछ भी नहीं कर सकते हम वहीं खड़े थे जहां हम 14 महीने बाद भी खड़े हैं ठीक है बहुत अब सनम जेल से निकली जिस जिस मुकदमे में इसको जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया या जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया अब भी इस्लामाबाद पुलिस ने कल जाके गुजरावाला से अरेस्ट किया हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह हम सनम जावेद को अभी लेके बाहर निकल रहे हैं और कोई सनम जावेद को पुराने पैटर्न के मुताबिक अरेस्ट नहीं करने आया यही हमारी उम्मीद है नहीं ना ही हम यहां से जल्दबाजी में भाग रहे हैं ना ही हम कहीं जा रहे हैं सनम जावेद ने 15-16 महीने जिस तरह का अपना रेजिस्टेंस या दलेरी से बहादुरी से स्माइल दे के मुंह पे जिस मुकदमे का सामना किया है जिस तरह इन मुकदमात का सामना किया है कतई तौर पर भी इसका करेक्टर आपके सामने डिफाइन हो गया कि ये एक बुजदिल खातून नहीं है और बड़ी ही जवान मर्दी से बड़ी ही इज्जत से और बड़ी बहादुरी से और पाकिस्तान की लिटिगेशन की तारीख में ये वाहिद खातून है जो इस उम्र में जिसको सबसे ज्यादा विक्टिमाइज किया गया और ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद खातून है जिससे इस उम्र में जिस तरीके से ऑनरेबल तरीके से इंतहाई मुअज्जिज़ तरीके से इंतहाई दलेरी से मुकदमात का सामना किया ये अपनी मिसाल आप है हम समझते हैं कि इसी तरह जिस तरह सनम जावेद खान है इसी तरह जो बाकी खवातीन है मैं बार बार कह रहा हूं खवातीन है ये हमारी सबकी सांझी माएं बहनें बेटियां और बीवियां बराए मेहरबानी डॉक्टर आलिया हमजा डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जितनी खवातीन है
बाकी जो खवातीन है, जितनी खवातीन है इनको इसी तरह सनम जावेद की तरह फिल फॉर जो है वो रिहा किया जाए। आपसे हमारी गुजारिश ये होगी कि आज बहुत ज्यादा तफसीलन सनम जावेद से सवाल जवाब मत कीजिएगा, चंद एक सवाल कर लें उसके बाद सुने। सनम क्या कहेंगे आप? अल्लाह का बहुत शुक्र और मुझे कोई डर नहीं अगले मुकदमे का भी, मेरे मेरे साथ खड़े हैं, हर जगह आए हैं, जो मर्जी केस होता रहे इंश्योर हैंडल कर लेंगे। चलो चलो यार, आज तक के वाले से फैसला आया था और आज ये फैसला आया है। सनम कुछ कहेंगी आप? इमरान हाँ, सनम क्या कहेंगी जो देखने वाले उनके पैगाम दे दें आप? देखिए आप इस तरह जोर जबरदस्ती जुल्म से कुछ भी नहीं कर सकते, हम वहीं खड़े थे जहाँ 14 महीने बाद भी खड़े हैं। ठीक है, बहुत पहले भी वहीं खड़े। बहुत शुक्रिया जी सनम जावेद, आप रिहा होकर यहाँ से निकल चुकी हैं। ये मनाजर हैं सनम जावेद, आप यहाँ से चली गई हैं। ये मनाजर हैं सनम जावेद, एक लंबे अरसे के बाद रिहा हो चुकी।